बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं जी आप? तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ के हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और इसी में एक दुआ के साथ करते हैं जी आज के वीलॉग का आगाज़। तो माशाल्लाह से आप सोच रहे होंगे कि ये जो है ना, इस घर को छोड़ने के बावजूद भी इस घर की जो है ना नहीं छोड़ रहे जिंद। तो मैं जो है ना आज इस घर इस वजह से आया हूँ। उन्होंने कहा है, पहले बात तो यह है जो है ना, ईंटें इनको आप जो है ना उठाकर ये वाली साइड पर रखें। ये जो है उन्होंने इस घर की जो तबाही मची हुई है, इसका जो है ना सबसे बड़ा ज़िम्मेदार हमें ही ठहराया है। हालांकि इस बात का आपको भी पता होगा कि हम जो है ना जब आए थे तो इस घर की हालत कैसी थी। जब ईमान ने सबसे पहला फर्स्ट व्लॉग बनाया था तो उसने आपको दिखाया था। बाकी मज़ीद मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इसकी हालत किस तरीके से थी। इसकी हालत कुछ ऐसे थी जैसे कि ये रेत पड़ी हुई है, ये चेक कर सकते हैं आप। इसी तरह से थी। हमने जो है ना, हमारे पास पैसे नहीं थे, उसके बावजूद हमने एक दो रेडियन जो है ना मिट्टी की, वो बहुत ही मुश्किल से इन्वेस्टमेंट करके मिट्टी यहाँ पर फेंकवाई। और मिट्टी फेंकवा कर फिर हम दोबारा से मिट्टी लेकर आए, जिससे हमने माशाल्लाह से इस जो है ना सेन की लिपाई की। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना हमें आज ये सिला मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि ये घर में जो भी तबाही मची हुई है ना, ये सारी आपकी वजह से हुआ है। और बाकी देखें जी, इसे पानी भी काफ़ी दिन से नहीं लगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर जो है ना पत्थर सार सब्ज हैं। पत्थर जो है ना सार सब्ज हैं, इसकी वजह भी मैं बता देता हूँ कि जो है ना नायर का पानी मुंह से निकल गया है पानी, वो जो है ना उसका रेज काफ़ी ज़्यादा होता है। और बाकी दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि ये यहाँ पर पानी था पहले सारा दीवार के साथ, अब जो है ना नायर थोड़ी सी कम हुई है तो पानी कम हुआ है, तो इस वजह से जो है ना नायर में पानी पीछे हट गया है। वरना पहले मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था जो है ना, पहले मैंने बनाया आपके साथ शेयर किया था, उसमें जो है ना पानी इस दीवारों के साथ था। और ये हम पंजाबी ज़बान में कलर कहते हैं। ये दीवारें देखें जी कैसे हुई खड़ी हैं, ऐसे ऐसे इसकी मिट्टी जो है ना थोड़ी थोड़ी सी करके साइड पर होती जानी थी और ये जो है ना सारी दीवार ख़त्म हो जानी थी और गिर जानी थी। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी दरार पड़ी हुई है इसके दीवार के अंदर। ये देखें एक किस्म की, ये एक से ऊपर से लगकर नीचे तक जो है ना अलहदा हुई खड़ी है। जैसे ही पानी और आ गया ज़्यादा लगा करीब, ऐसे खड़ा रहता जैसे पहले था, तो ये तकरीबन 20 से 25 दिनों के दरमियान ये सब कुछ ख़त्म हो जाना था। तो माशाल्लाह से ये जो है ना ईंटें वो उधर जो पड़ी हुई हैं उनका जो है ना हम एस्टीमेट वगैरह लगा देते हैं, कुछ ईंटें उनकी उठा कर रखते हैं। तो बाकी जो है ना, हमने तो उनके घर को खूबसूरत बनाया था, लेकिन घर से बाहर निकालने की वजह से उनके घर की हालत कुछ ऐसी हो गई है। देखें चापड़ी जो है ना हमारी, वो भी वैसे की वैसी पड़ी हुई हैं। और इधर जो है ना भूंड भी हैं, क्योंकि अब जो है ना सर्दियाँ आ रही हैं और वो जो है ना ऐसे कमरों के अंदर छुपने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी सर्दी लगती है। ईंटें उनकी यहीं पर पड़ी हुई हैं और अब जो है ना जाकर कुछ इसका एस्टीमेट लगाते हैं। ये जो है ना चापड़ियाँ वगैरह इनको इस साइड पर फेंकते हैं, उनकी जो है ना ये जगह यहाँ से साफ। उन्होंने कहा इस दीवार का कोई मसला नहीं, लेकिन आप जो है ना यहाँ पर जो खराबा पैदा हुआ है इसका जो है ना हम साइड पर उठा कर फेंकें। टूट तो कुदरत से गया है, ये जो है ना थली वगैरह उनकी साफ करके देनी है। दूसरी ईंटों के साथ रख देते हैं इधर, बाकी की जो है ना मिट्टी वगैरह वो खुद ही साफ कर लेंगे। यहाँ पर हमारा फर्नीचर जो है ना हमने मिट्टी का बनाया था वो पड़ा हुआ है। वैसे माहौल पुरसकून है यहाँ पर जो है ना, कोई नहीं, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं पास से गुजरती और बच्चे भी जो है ना स्कूल से वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ।
इधर देखें माशाल्लाह से इनको जो है ना उठाकर सारी चापियाँ इस साइड पर फेंक देते हैं, वो एक साइड पर हो जाएंगी और इनके जो है ना बाकी सफाई हो जाएगी। ईमान जो है ना वो नहीं आ सकी, देखिए ये चापड़ियाँ जो है मजबूत हैं, किस वजह से जो है ना हाथ से निकल जाती हैं। और मेरी हालत जो है आप इस तरीके से देख रहे होंगे, क्योंकि जो है ना मैं पहले घर जानवरों का काम करता रहा, जानवरों के एक चारा काट के लेकर आया, फिर मक्की काटी है और फिर जो है ना फराल करके तीनों चीज़ें मिक्स करके डाली हैं। मक्की हम सिर्फ दूसरी भैंस के लिए लेकर आए थे, क्योंकि वो जो है ना दूसरा चारा नहीं खाती जिसमें पराली मिक्स करें, तो इस वजह से मैंने कहा कि अब जो है ना उन्होंने काम जो कहा है हमें अब वो भी कर लें। ये बदली वैसे चापनी काफ़ी दिया है, इनको एक साइड पर फेंक कर एक साइड पर रख देते हैं सारी, ताकि जो है ना उन्होंने जो कहा है वो उनका कहना मुकम्मल हो जाए। हालांकि ये जो है ना सारा बच्चों का काम है, अगर वो हमको यहाँ से हमें यहाँ से ना निकालते, हमें ना कहते कि ये घर छोड़ कर जाओ, तो हमने कौन सा जाना था, हम यहीं पर रहते और उनके घर की हिफाजत करते। लेकिन अब जो है ना इसके जिम्मेदार वो खुद हैं, लेकिन उन्होंने हमें खिलाया जिम्मेदार। और अब जो हमें इतला मिली, उन्हें पता चला है, तो वो जो है ना हमारे पड़ोसी घर उस साइड पर जो है ना आपको दिखाते हैं, इस साइड पर वो जो हमारे पड़ोसी हैं ना उन्होंने लेने हैं, जो सामने आपको नज़र आ रहा होगा घर, यहाँ से जो है ना दूर हैं तो इस वजह से सही नहीं नज़र आ रहा, बाकी जूम करके दिखा देते हैं। जहाँ पर भैंस बंधी हुई है वहाँ पर जो है ना उन्होंने जहाँ पर बांधे अपने जानवर, इस कमरे में उन्होंने किले मारकर सर्दियों का इंतज़ाम करना है, क्योंकि सर्दियों के लिए उनके पास जो है ना जानवरों के लिए कोई जगह नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पर इंतज़ाम करना, तो इसलिए उन्होंने हमें कहा कि सफाई आप जो है ना यहाँ से कर दें। ये जो है ना इस साइड पर ये जो है ना एक किस्म का सेन फिट है, और बाकी जो है ना ये सेन से बाहर है। ये जगह उन्होंने कहा कि यहाँ से इस दीवार के इस साइड पर जो है ना फेंक दें, बाकी जो है ना मिट्टी वगैरह थोड़ी बात ही वो हम उठा लेंगे, जो बड़े बड़ी चापनी आपकी टूटी पड़ी है ना वो उठा कर इधर फेंक दें। मैंने कहा कोई बात नहीं, फेंक देते हैं, कुछ नहीं होता। कितनी मेहनत से हमने बनाई थी ये, तकरीबन 10 दिन में तैयार की थी हमने ये चापड़ियाँ, लेकिन जो है टूट गई हैं, सारी टूट फूट कर तैयार हुई पड़ी हैं। बड़ी बड़ी जो चापड़ियाँ ना वो मैंने खा ली और उस साइड पर फेंक दी हैं, जो बारीक मिट्टी पड़ी है उसकी तो वो सफाई कर लेंगे यहाँ से। तो अभी जो है ना नहीं कर दादू हार जाना, हम उसे हमने कहा कि यहाँ पर प्योर तरीका है, जो है ना आज से तकरीबन 50-60 साल पहले की गिनती थी वैसे ही है। इनके पास बिजली होने के बावजूद भी इन्होंने ना जो अपनी बिजली नहीं, और अभी जो है ना मशीन हाथ वाली जो है इसी पर ही चारा काटते हैं। बाकी माशाल्लाह से यहाँ जो है ना यहाँ पर उन्होंने सब्जियाँ काश्त की हैं, मूलियाँ, गाजर, पालक यहाँ पर उन्होंने काश्त की है, और इधर जो है ना उनके पड़ोसियों की भी सब्ज़ी जो है ना वो भी काश्त हुई है। यहाँ पर उन्होंने ये थूम, लहसुन, धनिया, मेथी, यहाँ पर जो है ना एक मज़ा आता है जब इंसान के पास ज़मीन हो ना अपनी, घर के सामने कुछ सेन पड़ा तो इंसान अपनी जो है ना सब्ज़ी काश्त कर लेता है, बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती। मूली और गाजरें काश्त की हैं, मेथी काश्त की है,
पालक काश्त की है जो कि साग के वक्त भी काम आएगी। और इस साइड पर माशाल्लाह से उनकी आज कमांदी ज्वार बहुत ही अच्छी खड़ी हुई है। उन्होंने ऐसे पौधे लगाए थे और मेहनत उन्होंने काफ़ी ज़्यादा की है। नहीं यहाँ पर क्या काश्त किया है? नहीं लोगों ने यहाँ पर देखें जी इतना कासनी। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अभी जो है ना यहाँ पर छोटा है थूम लगा हुआ क्यारियों में, ये क्यारी उन्होंने थूम की बनाई है। और इस साइड पर भी जो है ना बरसन काश्त हुआ खड़ा है, यहाँ से जो दूसरे पौधे हैं वो निकाल दिए गए हैं। और ये जो है ना अमरूद का पौधा खड़ा हुआ है, बाकी ये क्यारी जो है ना इस पर भी बरसन है, बाकी सारा उन्होंने बरसीन काश्त किया है माशाल्लाह से। ये जो है ना निमरा लोगों का किचन है, ये देखें जी ये जो हम ऊपर रखते हैं ना ताकि जो है ना डेगचे वगैरह वो कालियाँ ना हों, तो ये देखें बिल्कुल जैसे फूल का डिज़ाइन बनाता ना इसी तरीके से बनी हुई है। और यहाँ पर उन्होंने तवी ऊपर रखी हुई है, इस साइड पर चाय वगैरह बना लेते हैं और यहाँ तवी पर रोटियाँ बनाते हैं क्योंकि उनके पास जो है ना लकड़ियाँ नहीं हैं। ये टांडे और साथ में जो है ना वो पत्थर सफ़ेदों के वो इकट्ठे करके ले आते हैं और उसी के साथ जो है ना अपना गुजारा चलाते हैं। और साथ में ये जो है ना चिमटा ये भी खड़ा हुआ है, ये देखें माशाल्लाह से। और इस साइड पर जो है ना पम्बी पो कहते हैं वो उन्होंने रखा हुआ क्योंकि उन्होंने लिपाई करनी है। और इस साइड पर उनका तंदूर लगा हुआ है, बाकी माशाल्लाह से यहाँ पर उनके जानवर खड़े हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। दांत ये भी दांत है, एक बच्ची और दो बकरियाँ और साथ में जो है ना गाय, बहुत ही अच्छा है। तो अब जो है ना हम वापसी चलते हैं घर, वो जो है ना वीडियो बनने पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो अभी जो है ना हम बाहर निकल आए हैं, यहाँ पर उन्होंने अपना टोकरा भी रखा हुआ है और चलते हैं जी घर की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आज प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।